कोमल बेटा, तुम हमें बहुत बड़ी खुशी दे रही हो। जब से ये खबर सुनी है ना, हम फूले नहीं समा रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब कुछ कुशल पूर्वक हो जाए और हम अपने जीते जी अपने पड़पोते का मुंह देख सकें। अरे, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप सिर्फ अपने पोते का मुंह नहीं देखेंगी, उसे पाल पोस के बड़ा करेंगी, उसकी शादी करेंगी, जैसे आपने आदर्श की। कोमल बेटा, आज के बाद तुम्हें हर काम संभल के करना होगा, हर चीज संभल के करनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे खाने में से एक और खाने वाला आ गया है। और हाँ, डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाते रहना, ठीक है? भारी सामान मत उठाना, इसी में तुम्हारे भविष्य की खुशियां छिपी। बच्चों को खाता देख के कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम टिकट लेके वो पार्टी भी देते ना, तब वो इतना मजा नहीं आता। जब अपने पोतों को अपने हाथ से खिलाओगे ना, तो और भी खुशी होगी। आखिर भविष्य के उम्मीदवार हैं गुरुमा। बस ये सब आपका ही आशीर्वाद है। अरे अरे भैया, परोसा जाओ है ननकी ठाकुरा, अरे पूड़ी उड़ी दे ना। खाओ खाओ, आप पूड़ी उड़ी दो। तो क्या बच्चों, खाना हो गया? हाँ, तो आप सब लोग अब जरा हाथ मुंह धो के और पेट पोछ के यहाँ मेरे पास आओ। आओ आओ, जल्दी आओ, आओ। अच्छा सुनो, अब ये देखो इधर, ये है हमारी गुरु माँ। चलो पैर छुओ उनका। और बेटा वो देखो, वो है हमारी अम्मा, तो जाओ उनका पैर छुओ। इनको बोलो बुढ़िया दादी। एक बार और बोलो बुढ़िया दादी। देखियो अम्मा, ऐसे हमारा पोता आएगा, तुमको बोलेगा ए परदादे। अरे ठाकुराई, यहाँ आओ, यहाँ आओ। बहुत सज्जी धज्जी घूम रही तुम, यहाँ आओ। ए बेटा, यहाँ ठाकुराई अब अपने आप को जवान और सुंदर समझती है, इनको बोलो दादी। दादी। जाओ जोर से बोलो दादी। दादी। अब बेटा बचे सबसे आखिर में हम। इधर अब बेटा, हमको तुम लोग प्रणाम ना करो, खाली इतना बोलो कि बाबा बाबा बाबा, बाबा। बोलत रहो बाबा, बाबा। देखो देखो, अभी सारे बच्चन को ना तुम 11-11 रुपया नेक दे दियो बस। जब पोता हो जाएगा तो 51-101 देंगे भाई, 11-11 दियो सबको। देव 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 ले बेटा, ये 1 रुपया तुम 10 खर्च करना, 1 बचा लेना, दरिद्र हैं सस। लो जी बेटा, जी। अरे अरे प्रोफेसर साहब, अरे नमस्कार। हटो यार। नमस्ते। अरे प्रोफेसर साहब, वाह वाह वाह, आ गए आप लोग। बेटा सुनो, जानते ना कौन है, और तुमको अब ही ना एक बार और जय बोलनी है। प्रोफेसर साहब, आप आ गए, सब सिद्ध हो गया। तो बच्चा बोलो, नाना जी की जय, नानी जी की जय, बड़ नानी की जय। या उमा जाग खड़ी,
कोमल बुआ की जय। पूरा कोमल बुआ की जय। आज अरे बा प्रोफेसर साहब बा, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम्हारे बाबूजी ने? नाटक नाटक नहीं है, खुशी है खुशी। समझो, आपका खुशी जाहिर भी नाप तोल के करेंगे का? ऐसे ही जाहिर करते। अरे आप लोग खड़े का है, बैठिए बैठिए। देख रहे हैं समधन जी, आज हमारी ठाकुराइन जो है ना कुछ जरूरत से ज्यादा मिठाऊ रो गई हैं। देखो कैसे टेहरा हो रही हैं, जानती है काहे? अरे आपकी बिटिया जो है इस घर को इतना बड़ा तोहफा दे रही है, देख रहे हैं ना, एकदम फुटेरा हो गई हैं, बिल्कुल दस बजिया फूल की तरह खिल उठी हैं। अरे लजाओ ना अब तुम। अच्छा ये बताओ प्रोफेसर साहब, आपको नाना बनने कैसा लग रहा है? अरे बताओ। हम अभी कुछ खाने के लिए भिजवाते हैं। हम अभी आते हैं। हाँ जाओ, तुम बाकी लोगों से मिल लो, तब तक हम अपने भाई बहन से मिलकर आते हैं। अच्छी तो लग रही है तुम्हारी बहन, क्या मिलना का इसमें? तो क्या अब हम अपने भाई बहन से भी नहीं मिल सकते? भाई नहीं मिल सकते? रुको। अरे साली साहिबा यहाँ आओ। अरे आके बैठो इधर। अरे आओ वरना हम ही आ जाएंगे तुमको उठाने के लिए। यहाँ आओ लियो, आ गई लियो, बतिया लो आराम से। आरुषि कैसी हो, हमें याद करती हो? अरे साली साहिबा, अरे सबने हमको बधाई दी, बस आप ही नहीं दियो, का चक्कर का है? नाराज होगा हमसे? आपको बहुत बहुत बधाई हो, और दीदी आपको भी। आप बैठिए, हम अभी आते हैं। तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। कृष्णा अब तुम बाप बनने जा रहे हो, बच्चों वाली जिद करना और नासमझी करना छोड़ दो, अपने आप को बदलो और गंभीर बनो। हमारी बिटिया को खुश रखो, माँ खुश रहेगी तो बच्चा भी अच्छा ही होगा जी। बाबा क्या हुआ? इधर आ। मम्मी क्या बात है, आरुषि हमसे बात क्यों नहीं कर रही? कोई बात नहीं बेटा, तुम तो जानती हो यहाँ आके उसे कुछ हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात कैसे नहीं है मम्मी? इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, पहले तो देखते लिपट जाती थी, और अब देखो हमसे बात करना तो दूर, हमारी तरफ देख तक नहीं रही। प्लीज बताओ ना मम्मी क्या बात है? प्रतिज्ञा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम कह रहे ना तुमसे, हम पर विश्वास नहीं है तुम्हें? वो हम तो बहुत खुश हैं, जानती हो? आप मम्मी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो कृष्णा बेटा, तुम दोनों ने हम सबको बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, हम बहुत खुश हैं। देख लिया
अरे सब इतने खुश हैं, तुम बस बेवजह आए पाए करती रहती हो, तुम्हारी आदत बहुत खराब है। अरे कहाँ हो गया? आपको समझ में नहीं आता, नहीं करना हमें डांस वांस। काहे नहीं नाचना रे? बहुत गजब की लड़की हो बेटा तू। ये खुशी के माहौल में मुंह फुलाए घूम रही हो। अरे मौसी बनना अच्छा नहीं लग रहा है का? या मौसी और मौसियान बनने की खुशी नहीं हो रही तुमको? हमें खुशी। अरे जब नहीं खुश हो तो का जरूरत थी यहाँ आने की? हमरे खुशी में जो खुश नहीं ना वो का करेगा यहाँ रह के? अरे और कौनो है जो हमरे पोता के आने से खुश नहीं ना? अगर नहीं ना तो भैया चुपचाप यहाँ से बाहर निकल ले, नहीं तो कहा बिटिया तुम तो बड़ी लड़ाकी निकली। तुम्हारे बाप प्रोफेसर साहब ने तुमको यह शिक्षा दिए का? बहरहाल उन्होंने जो शिक्षा दी हो, जो उनको सिखाया, उससे हमको कौनो मतलब नहीं ना। तुमको जब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम कौनो चंदा मामा ना कि हम आप पोता को लेके खेलेगा? जाओ चलो, नहीं तो धक्का मार के बाहर निकालेंगे। पर बाऊजी, अरे बाऊजी तुम भी ना बात को समझते नहीं हो यार। क्या? बस ऐसे बोलते रहते हो। अरे क्या गलत बोली, एकदम सही तो बोली साली साहिबा। अब देखो इतनी बड़ी खुशी मानते हो ना, अब उसमें ये बेचारी कौन, तुम्हारे होने वाले पोते की मौसी। हम कब मना की? अब तो इका कहाँ मिला? कुछ नहीं, नेक बे कुछ नहीं मिला। अब बताओ, अब इसमें का खुश का खाक होगी बताओ? और एक बात बता दें, पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसे फट से हिसाब लगा लेगी कितना नेक मिलना चाहिए, कुछ भी तो नहीं मिला, क्या समझोगी नहीं? ते, अब बोलना चाहिए ना। अब हम कहो अंतर्जामी थोड़ा कि मन की बात जान लेंगे। बोल बेटा क्या चाहिए? अरे बोल ना। अब बेटा ये बता, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमको नेग नहीं मिलेगा? पागल। अरे अभी नाचने गाने का टाइम है, नाचो गाओ खुशी मनाओ, घरे जाते वक्त तुमको नेग बैग सब दे देंगे बेटा, खुशी खुशी जाओ, समझो? भाई जाओ चलो नाचो गाओ चल। ठकुराइन कहाँ गई? प्रोफेसर साहब अब क्या बताएं, अब वही है ना, उसी को नेक देना है, का देना है, किसको देना है, तो हम का जाने हैं। लेकिन क्या करें प्रोफेसर साहब, ये हमारी ठकुराइन है ना, ये बेहूदी बुढ़ाए गए लेकिन आज तक सुधरी नहीं। अब वैसे भी औरतें ना नहीं सुधर सकती। रामधन जी मतलब सही कह रहे हैं ना, है? तुम्हारी सास तुमको परेशान उरेशान तो नहीं करती है ना? हमारी सास का कौनो टेंशन नहीं है। हमारी सास इतनी खराब नहीं है, बल्कि वो तो इतनी अच्छी है कि हमको हैरानी होती है कि इससे भी लोग होते हैं। अगर हम कुछ भी कह देना
तो हमको बेटा बेटा कहती रहती है। अच्छा हाँ, तुम्हारी सास अब तुम्हारी अम्मा से भी अच्छी हो गई, कितनी बड़ाई कर रही हो उसकी। अरे अम्मा, हमरी अम्मा और सासू अम्मा का क्या मुकाबला, तुम कहाँ ज्वालामुखी और डिबरी दिया। एक कमल, एक बात बता, तू कृष्णा बहू और शक्ति बहू वाला खुशखबरी कब सुनाएगी अपनी अम्मा को? जब आदर्श हमसे दूर रहता है तो हम कपार खुशखबरी सुनाएंगे तुमको। खुशखबरी सुनने ऐसे क्या कह रही है, दूर रहता है का मतलब? अब ऐसा वैसा हम नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि वो हमको छूता भी नहीं है। छूता भी नहीं का है? ये तो हमारी बात हुई ना अम्मा, बाकी हमको ये नहीं समझ आता कि प्रतिज्ञा और बाबा के बीच में ये सब कैसे हो गया। हनीमून पे तो एक दूसरे के आंख में भी नहीं देखते थे। अरे हम तो खुदा ही देखे हैं कि बाबा होटल की लॉबी में रात भर सोफे पे सोता था, तो ये पूरब और पश्चिम कैसे मिल गए। बाबा प्रतिज्ञा साथ में नहीं सोते थे? अपनी आँख से देखिए। अरे देखे नहीं तो का ऐसा ही बोलेंगे तुमको। अच्छा और काका देखिए बता। अब काका बताए, हमारा अपना टेंशन कम है का। जरूर कोई दूसर बात है, अब तो पता लगा के रहेंगे कि मैडम के पेट में बच्चा है कि नहीं। प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।